हेलो क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर लाइट. ओके सो रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन हम एक सेपरेट वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो इसमें मैं रिफ्रैक्शन पे फोकस करूंगा और लेटर ऑन न्यूमेरिकल्स वगैरह के पर्पस के लिए मिरर्स के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. ऑलराइट, तो रिफ्रैक्शन टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट पे. तो स्पीड ऑफ लाइट, कई लोग इतने में ही वैल्यू बताना शुरू कर देते हैं, इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ इन मीटर पर सेकेंड. और इसे मीटर पर सेकेंड में ही याद कीजिए. कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा फैंसी करने के लिए इसे किलोमीटर पर सेकेंड, माइल पर सेकेंड ऐसे याद करने लगते हैं. कन्वीनियंट है तो इसलिए इसी में याद कीजिए. न्यूमेरिकल्स हमने इसे ऐसे ही यूज़ करना है. ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. हम जानते हैं वैक्यूम इज़ नॉट अ मीडियम. हम कहने के लिए कह सकते हैं उसे मीडियम, बट वी नो कि वहाँ उसमें कुछ है ही नहीं, मैटर ही नहीं है. वैक्यूम इज़ वैक्यूम वेयर देयर इज़ नो पार्टिकल. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जहाँ पार्टिकल्स हैं, जहाँ ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ जो स्पीड ऑफ लाइट होगी दैट विल बी लेस देन दिस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. यानी कि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड अल्टीमेट स्पीड है, हाईएस्ट स्पीड है. इससे ज़्यादा स्पीड लाइट की नहीं हो सकती. वैक्यूम में इतनी होती है और बाकी किसी मीडियम में इससे कम होती है. ये पूरा नंबर और विद यूनिट, इस पूरे को रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल सी से. स्मॉल सी इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें ये पूरा का पूरा ना लिखना पड़े. और अगर किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो उसे हम वी से एक्सप्रेस करते हैं. इधर लिख देता हूँ वी. सो इट इज़ ऑब्वियस कि वी इज़ लेस देन सी हमेशा. तो वाई इज़ इट सो, इट हैज़ सम ऑब्वियस रीजंस और इसके बारे में अब हम अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. एनीवे, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन. तो एक मैं आपको इसकी बुकिश डेफिनेशन दिखा देता हूँ और एक थोड़ी अपनी समझ के लिए एक और डेफिनेशन. एग्जाम में आएगा तो फिर आपको ये बुकिश डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी. ओके, सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम ओब्लिकली, इट्स पाथ बेंड्स. इट इज़ कॉल्ड, और दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन. तो ऐसे ही इसे एक्सप्लेन किया जाता है. एंड वी नो कि अगर ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम कह सकते हैं कम घना मीडियम, और दूसरे साइड है डेंसर मीडियम यानी काफ़ी घना मीडियम. तो अगर रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयरर में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ठीक है, ये चीज़ रिफ्रैक्शन होती है. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर जो रे है वो डायरेक्टली ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो, तो इस केस में इसी के अलोंग नॉर्मल हो गया. अब ये बेंड किधर करेगी? इट विल गो स्ट्रेट. तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, ये डेफिनेशन तो होल्ड ही नहीं हो रही. तो कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मतलब इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता. सो वी कैन से कि व्हेन लाइट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इट्स स्पीड चेंजेस, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. हालांकि जो मैंने डेफिनेशन बताई उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, बट मैं सोचता हूँ ये ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन है कि मीडियम चेंज होने पे लाइट की स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. और उस चेंज की वजह से लाइट अपना पाथ बेंड भी कर सकती है. तो बट दिस बुकिश डेफिनेशन, आपको इसे याद रख लेना है. और जो मेन कॉज है रिफ्रैक्शन का वो है चेंज इन स्पीड. हम इसके बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं. सो जो मेन कॉज है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और यही कॉज मेरी डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन के लिए, लेकिन हम इसे कॉज ही कहेंगे कि व्हेन द रे पासेस, ओह गॉड सॉरी गड़बड़ हो रहा है, फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इट्स स्पीड चेंजेस, दिस कॉजेज रिफ्रैक्शन. बुकिश लैंग्वेज में ये रिफ्रैक्शन का कॉज है, और मेरे टर्म्स में ये ही रिफ्रैक्शन है, लाइट की स्पीड का चेंज होना मीडियम बदलने के साथ. ओके, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड. तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स?
द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. तो जो मीडियम है जिससे लाइट पास हो रही है उसमें स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो हमें पता है दोनों का जो रेशियो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा. इसे ऐसे शो करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख भी देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. एंड रिमेंबर फ्यू थिंग्स कि एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन बिकॉज सी हमेशा वी से ज्यादा होगा, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा वन से ज्यादा होगी. सेकेंड थिंग, एन हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेम यूनिट्स. ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो स्पीड स्पीड की यूनिट आपस में कट जाएगी एंड वी विल गेट अ प्योर नंबर. एन इज अ प्योर नंबर. देन वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एन? तो इस पे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में. सो डायमंड हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4, व्हाट डज इट मीन और व्हाट डज दिस एक्सप्लेन्स? तो इसके दो आंसर हो सकते हैं. पहला आंसर है कि इट मीन्स द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज 2.4. सीधे सीधे हमने जो डेफिनेशन थी उसी का यूज़ कर लिया. इसका एक दूसरा भी मीनिंग हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. n इक्वल टू सी बाई वी. अगर हम थोड़ा सा एलजब्रा करें ढंग से तो v को इधर ले जाओ, इट विल बी एन वी इक्वल टू सी. अब n को इधर ले जाओ, v इक्वल टू सी बाई एन. कई बच्चे कहेंगे इतना लंबा खींचने की जरूरत, इसी सीधे इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ. तो भाई हर तरह के बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ओके. अब वैल्यू रख दें, स्पीड ऑफ लाइट को मैं c रहने दे रहा हूँ और इसे मैं कह रहा हूँ 2.4. यानी कि उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का 2.4th पार्ट है. तो हम कह सकते हैं इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज 1/2.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. अच्छा, यहाँ कुछ चीज़ें और मैं बता दूँ. मैं जिसे n लिख रहा हूँ कुछ बुक्स में और कुछ स्कूल्स में, कुछ बच्चे उसे म्यू लिखते हैं. दिस इज़ म्यू, डजेंट मैटर. आप सिंबल पे कंफ्यूज मत होइए. और इसीलिए मैं हर बार जब भी n कह रहा हूँ तो साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह रहा हूँ. आपको म्यू लिखने की हैबिट है तो नोट्स बनाते हुए आप n के साथ म्यू, n को रिप्लेस करके म्यू लिखिए. ऑलराइट, तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज 1/2. तो अब देखिए, अगर कोई भी आपसे पूछता है कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो पूछेंगे कि व्हाट डज इट मीन. तो इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज 1/1.5 टाइम्स दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. कुछ भी है, जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, ये पूरा स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा. बस यहाँ पे 1/ और जो वैल्यू आएगी वो आपको लिख देनी है. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे हमें क्योंकि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे सिखाने पढ़ाने के बाद भी यह रखा है तो ये लिख देते हैं, यह रखा है तो ये लिख देते हैं. तो दोनों में कन्फ्यूजन है, इसलिए दोनों को आमने सामने होना चाहिए ताकि आप डिसीजन ले सको कि क्या टर्म यूज़ हो रहा है और कहाँ पर क्या चीज़ आ रही थी. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आर. कुछ लोग साइन भी लगा देते हैं. एनीवे, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा नहीं है, इतना सिखाने पढ़ाने के बाद भी बच्चे ये गलती करेंगे. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा और वो ये यहाँ लिख देंगे कि आई और आर बराबर होते हैं, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा नहीं है. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ढंग से समझिए. और हाँ, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. तो आपके सामने ये आ सकता है कि स्नेल्स लॉ लिखिए, या आपके सामने ये आ सकता है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखिए. अब ये क्या है? ये आप मैथ्स में पढ़ोगे, इसे sin नहीं साइन कहते हैं. ये राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड एक टर्म है,
जो भी एंगल आपका होता है उसके आगे साइन लगा दिया जाता है, तो उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू निकलती है। तो फिलहाल आप इसे जस्ट एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये साइन आई अपॉन साइन आर है, आई अपॉन आर नहीं है, ये साइन आई अपॉन साइन आर है, एंड दैट इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बना सकते हैं कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। दूसरा लॉ इंसिडेंट रे दोनों में आता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द प्लेन ये दोनों में आ रहा है, लेकिन तीसरे में चेंज आ जाएगा, एंड रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ एंड रिफ्रैक्टेड रे, और ये कॉमन है दोनों में, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द प्लेन एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में बोलना है तो इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द प्लेन एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन है क्योंकि, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैथ्स में आप पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वो जो साइन आया था, दैट इज़ नॉट सिन, दैट इज़ साइन, क्योंकि उसे पूरा का पूरा ये कहते हैं, और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ये, बोलते इसे साइन ही है, लेकिन ये है क्या? वेल, फिलहाल मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि जैसे 4 पे रूट लगता है तो उसकी वैल्यू 2 हो जाती है, तो वैसे ये साइन किसी एंगल पे लगता है तो वैल्यू कुछ आती है उससे। इसकी कुछ वैल्यूज़ याद रख लो, जैसे साइन 0 डिग्री इज़ 0, साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, साइन 45 डिग्री, यही स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। तो आप ये मत कहना कि कैसे यहाँ 30 का जंप हुआ, यहाँ 15 का जंप हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये स्टैंडर्ड हैं, उसके स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। साइन 60 डिग्री रूट 3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज़ 1। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है, मैथ्स में आपको ये फुल डिटेल में मिल जाएगा। हमें बस इन्हीं वैल्यूज़, इनफैक्ट 0 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 90 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इन तीन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। सो लेट अस सपोज देयर इज एयर एंड इट इज़ ग्लास और एनी अदर डेंसर मीडियम। हाँ, मैं अभी आपको डेंसर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिलते हैं, एन सबस्क्रिप्ट 1 और एन सबस्क्रिप्ट 2, तो अगर N1 ग्रेटर है N2 से, देखो ग्रेटर या डेंसर और रेयरर हम तभी कह सकते हैं जब दो को कंपेयर करेंगे, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 का ज़्यादा है N2 से तो हम N1 को डेंसर कहेंगे, तो इसके कंपैरिजन में ये रेयरर हो गया, यानी कि फॉर डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई होगी, फॉर रेयरर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लो होगी। ओके, तो लेट अस सपोज क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, ये क्वेश्चन ही समझ लीजिए, क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि जो ये इंसिडेंट एंगल है इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक 60 डिग्री बट एनीवे, और ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर इसकी वैल्यू है 30 डिग्री तो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब पहली चीज़ जो बच्चे गलती करेंगे वो ये करेंगे, वो लिखेंगे बाय स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन विच इज़ ऑब्वियस, फिर साइन आई की जगह 60 अपॉन साइन 30 विच इज़ ऑल्सो गुड, और शायद उसके बाद बच्चे ये सोच रहे हो साइन से साइन काट देंगे, 30 से ये काट के 2 एंड दिस इज़ द आंसर, दैट इज़ रॉन्ग। एक्चुअली एन जब आपको निकालना है तो आई की जगह आई का एंगल 60 ठीक है वैसे ही लिखा जाएगा, और साइन 30 ऐसे ही लिखा जाएगा, देन नो कैंसिलेशन, मैंने क्या बताया कि ये साइन इस पे ऑपरेट होके इसकी कुछ वैल्यू देगा, ये रही इसकी वैल्यू, ये याद रखनी पड़ेगी, रूट 3 अपॉन 2, केवल 3 पे रूट है, अपॉन 1 अपॉन 2, एंड नाउ सिंपल मैथमेटिक्स, इससे जाएगा ये इसके पास जाएगा, सो रूट 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 1 कैंसल्ड, सो आंसर इज रूट 3, यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आई की वैल्यू 45 डिग्री और आर की वैल्यू 30 डिग्री, आप इसे ट्राई कीजिएगा और जो आपका आंसर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा।
कुछ और क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कर लेते हैं. ऑल राइट, सो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्चुअली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. एक टाइप हम कर चुके हैं जो स्नेल्स लॉ पे बेस्ड होगा, और ये दो और टाइप के क्वेश्चन हैं. ये सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के क्वेश्चन होंगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज दिस, फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो बहुत सिंपल है, एन इक्वल टू, आई मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी बाई वी. सी की वैल्यू ये एग्जाम में गिवन होता है, अगर गिवन नहीं हुआ तो इसके बोनस मार्क्स मिलेंगे, बट फॉर जी के पर्पज आप इसे याद रखिए. और वी की वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8, ये कैंसिल हो जाएगा. 1.8 से आप 3 को डिवाइड कर लोगे, विच इज 1.6 समथिंग, एंड देयर आर नो यूनिट्स. इन द सेम वे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 2. पहले मैं कुछ और लिखना चाह रहा था, बट इट इज 2. फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन इट. तो हमें तो फॉर्मूला यही पता है, स्पीड ऑफ लाइट का तो फॉर्मूला पता नहीं है. सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला बनाने के लिए वी को हमें इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बदले में एन को हमें इधर क्रॉस डिवाइड करना पड़ेगा. इट मीन्स वी इक्वल टू सी बाई एन. सो वी इक्वल टू सी की वैल्यू वंस अगेन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन एन की वैल्यू 2. नाउ बी केयरफुल, इस समय हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकाल रहे हैं, इस समय हम स्पीड निकाल रहे हैं. तो कोई ये मत कह देना कि ये भी नो यूनिट होगा, ये तो स्पीड है इन दैट मीडियम. सो हियर इट इज. ऑल राइट, एंड बाय द वे मैं एक चीज़ और बताना इसमें भूल गया था. जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. इसके साथ एक बात और याद रखो, डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कम होगी, और रेयर मीडियम में रिलेटिवली स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी. तो यानी अगर जैसे यहाँ पे कुछ मीडियम आपको दे रखे हैं, ए बी सी, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.05, बी का 1.50 और सी का 1.33. तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का है. तो इन तीनों में ये एक डेंसर मीडियम, ये डेंसर हो गया इन दोनों के कंपैरिजन में, ये डेंसर हो गया इसके कंपैरिजन में, और ये रेयरर मीडियम हो गया सबके कंपैरिजन में. एक्स वाई जेड, अब मान लिया एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10³ थी, दूसरे मीडियम में 1.5 × 10³ थी, और तीसरे मीडियम में 1.1 × 10³ थी. तो जो स्लोएस्ट स्पीड है वो ये रही, स्पीड बहुत कम है रिलेटिवली बाकियों के कंपैरिजन में, तो ये डेंसर मीडियम होगा. और ये इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड है, ये रेयरर मीडियम होगा इन बाकियों के कंपैरिजन में, ये डेंसर होगा इसके कंपैरिजन में. तो ये याद रखिएगा कि रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली कम होता है, कंपैरेटिवली कम होता है, और रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, एंड वाइस वर्सा. डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और उसमें रिलेटिवली वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट कम होती है. तो जो डेंसर होगा, डेंस घना, वहाँ लाइट स्लो जाएगी. इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे एक भीड़ भाड़ वाला एरिया, वहाँ आप धीमे धीमे जाओगे, और एक बिल्कुल खुला वाइड ओपन एरिया, वहाँ आप फास्ट जाओगे. तो जो भीड़ भाड़ वाला एरिया हो गया वो डेंसर हो गया, और जो ओपन एरिया हो गया वो रेयरर हो गया. ओके, नेक्स्ट इज लेंस. इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, दिख नहीं रहा हूँ, कि अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सर्फेसेस. यहाँ पे बच्चे ये भी कह सकते हैं कि लेंस ऐसा भी होता है कि एक साइड प्लेन सर्फेस हो, एक साइड कर्व्ड सर्फेस हो. 10th के स्टैंडर्ड से जो डेफिनेशन मैंने बोली कि इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सर्फेसेस, ये काफ़ी है, सफिशियंट है. तो हम आगे बढ़ते हैं, हम टाइप्स ऑफ लेंसेज पे चलते हैं. कोई भी प्लेन लेंस मत कह देना, जैसे मिरर में होता है प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, वैसे यहाँ प्लेन लेंस मत कह देना, यहाँ सीधे सीधे कॉन्वेक्स. एंड कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर फ्रॉम द मिडिल एंड थिनर फ्रॉम द एजेस.
कॉनकेव लेंस, थिकर फ्रॉम द एजेस एंड थिनर एट द मिडिल. यही नहीं, कॉनकेव लेंस हमेशा स्मॉल साइज इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज. और ये वर्चुअल इमेज होती है. अब ये वर्चुअल इमेज क्या होती है इसे हम आगे समझेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो कॉनकेव लेंस है, एक तो हमने कह दिया कि वो एजेस पे थिक होता है और सेंटर पे थिन होता है, लेकिन साथ में हम एक चीज़ और कहेंगे कि ये स्मॉलर और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा वैसा, यानी कि वो अगर अपसाइड डाउन है या डाउन साइड अप है वो वैसा ही रहेगा. ये कॉनकेव लिखा हुआ था, ये ऐसा ही लिखा हुआ है, उल्टा नहीं हो गया ये. तो एक तो ये इरेक्ट इमेज बनाता है और दूसरा स्मॉलर इमेज बनाता है. और हर केस में, मैं चाहे दूर ले जाऊं पास ले जाऊं, हर केस में ये स्मॉलर इमेज बनाता है. और आगे चल के हमें पता चलेगा ये जो इरेक्ट इमेज होती है ये वर्चुअल होती है. तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल सही से नहीं लिखा है, आगे लिख देंगे. वैसे ही कॉन्वेक्स, ओके, यहाँ देखिए ये इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, कॉनवेक्स लेंस. और इरेक्ट इमेज भी बना रहा है, तो कभी इरेक्ट कभी इन्वर्टेड, अलग अलग टाइप की इमेज बना रहा है. कभी ये लार्ज बना रहा है, कभी ये स्मॉल बना रहा है, कभी ये इरेक्ट इमेज बना रहा है, और कभी ये इन्वर्टेड इमेज बना रहा है. इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, आगे समझेंगे इसे. इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड. तो ये कॉन्वेक्स हुआ और ये कॉनकेव हुआ. जो कॉनकेव है उससे हमेशा एक ही जैसी इमेज बन रही है, इरेक्ट और स्मॉलर. तो बगैर लेंस को टच करे भी हम पता लगा सकते हैं लेंस से बनने वाली इमेज को देख के, कितने भी दूर ऑब्जेक्ट हो, कितने भी पास ऑब्जेक्ट हो, अगर उससे स्मॉलर और इरेक्ट इमेज बन रही है तो वो कॉनकेव लेंस है, और अलग अलग पोजिशन पर अलग अलग टाइप की इमेजेस बन रही हैं तो वो कॉन्वेक्स लेंस है. ऑलराइट, तो इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लेंसेज, एक साइड कॉन्वेक्स और दूसरे साइड कॉनकेव. तो इसका आइडिया समझ लेते हैं. लेंस की जगह मैं पहले मिरर बना रहा हूँ, तो ये मत समझ लेना कि मैं गलती से ऐसा कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस ही पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले मैं मिरर, क्योंकि उसमें पॉइंट्स को समझ पाना ज़्यादा ईजी होता है. हियर वी हैव कॉन्वेक्स मिरर. ये बनता ऐसे है कि इसका एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे पोल, इनके मिड में फोकस. ऐसे ही कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल. हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस लेफ्ट फेसिंग होती है दोनों में. तो कॉन्वेक्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बिहाइंड द मिरर होते हैं और कॉनकेव में इन फ्रंट ऑफ मिरर होते हैं. अब लेंस, लेंस में कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं होती, तो आप इसे अगर यहाँ पर रख देते हैं तो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो आप इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं. ऐसे ही कॉनकेव लेंस अगर आप रखेंगे तो उसमें भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड टू अवॉइड कन्फ्यूजन हम हमेशा लेफ्ट साइड को प्रायोरिटी देते हैं. ओके, तो अब कॉन्वेक्स लेंस में दो सरफेसेस हैं, कर्व्ड सरफेसेस. ये हो गया. पहले हम इसके ठीक सेंटर पे, जो इसकी बॉडी के अंदर से पास हो रहा है, इस सेंटर को ओ कहेंगे, विच इज़ ऑप्टिकल सेंटर. इसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर. देन कम्स फोकस. मैंने दो साइड फोकस क्यों बनाया, क्योंकि इसके दोनों साइड फोकस होते हैं. आप इधर से लाइट इंसिडेंट करो तो यहाँ पे कन्वर्ज होगी, इधर से लाइट इंसिडेंट करो तो यहाँ कन्वर्ज होगी. दैट इज़ वाई दिस इज़ मेन फोकस. जैसे कॉन्वेक्स में एक जब रे पैरेलल आती थी तो रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट नहीं बल्कि डाइवर्ज होते हुए
एक पॉइंट से लगती थी जो कि फोकस है, वैसे ही यहाँ जो रेज आती हैं वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं विच इज़ फोकस। तो फिर ये दूसरा फोकस, इसे कैसे डिफाइन करेंगे, क्या इधर से रेज बोलेंगे? नहीं, इसके लिए ये बोला जाता है कि अगर यहाँ से रेज जा रही हैं तो वो आगे चल के पैरेलल हो जाएंगी। इसे हम आगे समझेंगे, बट अल्टीमेटली देयर आर टू फोकस, दिस इज एफ, दिस इज एफ डैश। देयर इज अनदर पॉइंट विच इज टू एफ विच इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली। वैसे ही जैसे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, वैसे यहाँ पे एक 2F पॉइंट है, उसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा नाम नहीं दिया है, बस इट इज 2F। मेन फोकस इधर है, इसलिए इधर ये प्राइम साइन नहीं लगाया, डैश नहीं लगाया, ये मेन है। कॉनकेव में ये हुआ एफ 2F, इसका एफ इस साइड होता है तो इसका मेन फोकस लेफ्ट साइड होगा, और दूसरे साइड भी ऐसी पॉइंट होगा जिसे हम डैश से शो करेंगे। हालांकि जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तब ये डैश वगैरह लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, कई बार F1 F2 लिख देते हैं एंड दैट डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी मैं आपको अवेयर करने के लिए ये कर रहा हूँ, अदरवाइज इट इज़ नॉट नीडेड। इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है तो यू कैन इग्नोर दिस थिंग। तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया फोकस। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका साइज, लेंस का साइज, यानी कि इसका यहां से यहां तक फ्रंटल डायमीटर, ये हो गया एपर्चर इसका भी, ये फ्रंटल डायमीटर जैसे ये है, तो इसे यहां से यहां तक नापेंगे अगर, तो दैट इज एपर्चर। ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट अपर्चर। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट फोकस ऑफ लेंस। समटाइम इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी फोकस। तो फिर प्राइमरी फोकस क्या है? तो इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन आई एम जस्ट यूजिंग द टर्म फोकस, बट रिमेंबर इट इज़ सेकेंडरी फोकस विच इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो पहले कॉन्वेक्स के लिए इसे फोकस की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो ये हो गया द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब, एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल जो रेज जा रही थी जहाँ पे वो कन्वर्ज होती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये डेफिनेशन सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो फॉर कॉनकेव द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू गेट डाइवर्ज्ड। Rays parallel to principal axis after refraction appears to get diverged. हो गई डाइवर्ज, लेकिन इस पॉइंट से आती हुई। तो ये हो गया फोकस ऑफ कॉन्वेक्स, ये हो गया फोकस ऑफ कॉन्केव, एंड स्पेसिफिकली सेइंग कि ये डेफिनेशन होती है सेकेंडरी फोकस की, एंड प्राइमरी फोकस की स्ट्रेटेजिकली मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओके, दोनों ही लेंस और मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, दोनों में एक पॉइंट ऐसा होता है जिसमें, जिसके थ्रू अगर रे जा रही है तो लीस्ट डेविएटेड होती है, पर हम कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ को, मतलब लीस्ट डेविएटेड तो उतना भी इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं वो स्ट्रेट चली गई है। तो जिस पॉइंट से वो पास हो रही होती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो डेफिनेशन क्या बनी? द पॉइंट इनसाइड अ लेंस थ्रू विच लाइट रे पासेस विदाउट डेविएशन इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। And then principal axis, the axis passing through optical center as well as focus is called principal axis. Aperture, the frontal diameter of lens refracting surface is called aperture of lens. It tells about size of lens,
लेंस कितना बड़ा है कितना छोटा है वो बताने के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं एपर्चर। ऐसा ही नहीं, यही मिरर के लिए भी है, फ्रंटल डायमीटर ऑफ अ मिरर, और हम ये भी कह सकते हैं उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ कॉल्ड एपर्चर ऑफ मिरर। तो इस तरीके से हम वो जो मिरर टॉपिक है उसके उसके कन्फ्यूजन्स यहाँ दूर कर सकते हैं कि ताकि हम दोनों में कन्फ्यूज़ ना हो। नेक्स्ट इज़ पावर ऑफ लेंस। ये कोई पॉइंट नहीं है बट अगेन इम्पॉर्टेंट टर्म है एंड इट इज़ अ होल न्यू टॉपिक, लेकिन ये ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह के लिए यूज़ होता है तो, एंड इट इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक ऑल्सो क्योंकि डेफिनेशन इसकी बहुत स्मॉल है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। वैसे पावर से मतलब यह है कि कितना ज़्यादा वो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर उसने कन्वर्ज बहुत ज़्यादा कर दिया, जैसे ये लेंस है, अगर इसने बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया ये देखो, तो उसकी फोकल लेंथ उतनी कम है। वहीं अगर कोई दूसरा लेंस था, उसने ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर सका, तो उसकी फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा हो गई। तो इसलिए हम ये कन्वर्ज और डाइवर्ज ना कहकर डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो पावर ऑफ लेंस है इट इज़ 1/f, लेकिन ये याद रखना कि f शुड बी इन मीटर, f शुड बी इन मीटर, देन p विल बी इन डायोप्टर डिनोटेड बाय कैपिटल D। तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि 1 डायोप्टर की डेफिनेशन क्या होगी, तो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल बोल रहा हूँ, आप सुन के लिख लीजिए। डेफिनेशन ऑफ 1 डायोप्टर, ये भी बहुत बेकार सी डेफिनेशन है, बल्कि मैं लिख देता हूँ, 1 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस विच हैज़ फोकल लेंथ 1। जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उसकी पावर 1 डायोप्टर होगी। एंड मैं सब इसी पेज में ख़त्म करना चाह रहा हूँ, इसलिए इसे समराइज़ कर रहा हूँ कि 1D इक्वल टू 1/1 मीटर। ओके, तो अगर जैसे एक लेंस रखा है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज बनी, ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज इधर कहीं बनी, तो जो डिस्टेंसेज नापनी होंगी ऑब्जेक्ट की, लेंस से नापेंगे, तो इधर के डिस्टेंसेज के लिए कुछ साइन चाहिए, इधर की डिस्टेंस, ताकि हमें पता चल जाए कि हम किस साइड के लिए बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ वो 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और 5 सेंटीमीटर इमेज की डिस्टेंस है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम किधर की बात कर रहे हैं, किधर ऑब्जेक्ट है और किधर इमेज है। लेकिन अगर मैं कोई प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ बोलूँ, एक साइड पॉजिटिव ले लूँ, एक साइड नेगेटिव ले लूँ, तो हमें पता चल जाएगा कि ओके, पॉजिटिव जो भी हमने कर रखा हो, फ्रंट के लिए ले रखा हो या बैक के लिए ले रखा हो, तो हमें पता चल जाएगा। तो वैसे ही एक साइन कन्वेंशन डिज़ाइन किया गया है। एंड नाउ सी अबाउट दिस। ओके, पहली चीज, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, अच्छा अगर मैं मिरर की बात करूं तो वहां ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, लेकिन लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। ओके, डिस्टेंसेज मेजर्ड अपोजिट टू द इंसिडेंट रेज आर नेगेटिव एंड डिस्टेंसेज मेजर्ड अलोंग द इंसिडेंट रेज आर पॉजिटिव। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये रहा लेंस, अभी मैं इसके इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा, पर फिलहाल मैं आपको एक सिंपली जैसे जो ओरिजिनल डायग्राम है डायरेक्टली वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से उसकी फाइनल इमेज बन जाएगी समवेयर हियर। तो अब अगर हम डिस्टेंस इज मेजर्ड अपोजिट टू द इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन है इधर से इधर, अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापनी होगी तो हम इधर से इधर जाएंगे मेजर करने के लिए, अपोजिट टू द इंसिडेंट रेज। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग द इंसिडेंट रेज, अब ये
इमेज के लिए देखिए, इमेज के लिए ये इंसिडेंट रेज की जो डायरेक्शन थी, ओरिजिनल डायरेक्शन इधर थी, डायरेक्शन तो यही थी, भले ही रेज यहाँ पे रुक गई उसके बाद रिफ्रैक्ट हुई है, लेकिन इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन यही थी। और इमेज की डायरेक्शन भी जब हम नापने जाएंगे तो इसी डायरेक्शन में जाएंगे, फिर अलॉन्ग हो गया, तो यानी कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। एक और केस देख लेते हैं, मैं कॉन्वेक्स ही यूज़ कर रहा हूँ, कॉनकेव भी यूज़ कर सकता था, लेकिन फॉर सम रीजंस मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद करूँगा। ये रहा ऑब्जेक्ट, एक रे ऐसे चली गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, ये कहीं मिलेंगे नहीं, तो इन्हें बैक प्रोड्यूस किया जाएगा। एंड नाउ दिस इज अ वर्चुअल इमेज। सो दिस टाइम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर है, इधर से इधर के लिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन मेजर करने के लिए यहाँ पे रख के इधर के लिए नापेंगे, अपोजिट हो गया, तो यू नेगेटिव। और वी के लिए भी यहाँ पे रख के इधर के लिए नापेंगे, वी भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए। एंड सेम फॉर कॉनकेव, अगर मैं इसकी जगह कॉनकेव लेंस ले लेता तभी भी यही होना था। जैसे इसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, पहली रे डाइवर्ज हो गई, इधर बढ़ा दी, और दूसरी रे इधर ले गए, यहाँ पे इंटरसेक्शन, ये वर्चुअल इमेज बन गई। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है इधर के लिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसके अपोजिट जाके मेजर कर रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। और इमेज डिस्टेंस, इमेज भी अपोजिट डायरेक्शन में ही बनी है इंसिडेंट रे के, तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव। तो वन थिंग फॉर श्योर कि इन ऑल दीज केसेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस उसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, इमेज किधर बनी है, कैसे बनी है, वो समझना पड़ेगा, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए वी आर 100% श्योर कि वो नेगेटिव होगी। बट आई टेल यू ऐसा नहीं है कुछ केस में, 1% केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन अभी हम उसकी चिंता नहीं करेंगे, वो बहुत ही स्पेशल केस है और इस वजह से आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दम। इसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो डिस्टेंसेज होंगी, मतलब हाइट्स, वो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे के लिए जो हाइट होंगी वो नेगेटिव होंगी। ऑलराइट, सो लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, एटलीस्ट 2 rays आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज, ये लेंसेज और मिरर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो लेंसेज और मिरर्स सब के लिए, ये रहे वो इमेज फॉर्मेशन डायग्राम, या हम कह सकते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो मिरर्स में प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगी कॉन्वेक्स मिरर में, वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होगी, और कॉनकेव के केस में वो फोकस की तरफ, फोकस से पास होगी, फोकस में कन्वर्ज होगी, और यहीं से इनके फोकस की भी डेफिनेशन बनती हैं। सेम ईयर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस, कन्वर्ज टू द फोकस, और जैसा मैंने कहा ये सेकेंडरी फोकस होता है, इसे एक अपने सबकॉन्शियस माइंड में रख लीजिए, फिलहाल हम सिंपली इसे फोकस कहेंगे। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू गेट डाइवर्ज्ड फ्रॉम द फोकस। अब ये दूसरा केस है जिसमें फोकस की तरफ, देखिए दो अलग अलग डायग्राम है, एक में फोकस की तरफ आता है, एक में सेंटर की तरफ आता है, बच्चे इनमें कन्फ्यूज़ होते हैं, तो ये याद रख लीजिए कि डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कि नहीं। तो जो फोकस की तरफ आएगा इट विल गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कई बच्चे इसमें इसके पार ले जा देंगे, याद रखिए मिरर में सब कुछ दूसरी तरफ चला जाएगा, लेंस में सब कुछ इधर आ जाएगा, यहाँ इंसिडेंट हुआ पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेम ईयर यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ उल्टा मत कर देना, यहाँ दूसरे साइड चला जाएगा। सेम ईयर अब इसमें जो सेंटर की तरफ आता है इट बाउंसेस बैक, जो सेंटर से जाता है बाउंसेस बैक, एंड सेम ईयर जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो अनडिविएटेड पास हो जाता है। दीज आर द लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। यहाँ से कुछ टेक अवेज भी हैं कि जो कॉन्वेक्स है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। आप कहोगे तो इधर भी है, लेकिन हम इसे प्रायोरिटी देते हैं, बेशक ये सेकेंडरी फोकस है जिसे मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड में रखने के लिए कहा है, बट स्टिल वी कंसिडर इट एज पॉजिटिव फोकल लेंथ और ये नेगेटिव फोकल लेंथ इसकी। तो ये आप ये पूरी पिक्चर अपने माइंड में प्रिंट कर लीजिए क्योंकि यही यूज़ होगा आगे इमेज फॉर्मेशन में और बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने में।
ऑल राइट, तो ये एक समरी होगी इमेज फॉर्मेशन के लिए, और क्योंकि छः केसेस कॉनकेव मिरर के होते हैं और छः केसेस कॉन्वेक्स लेंस के होते हैं, दूसरी तरफ दो केसेस कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं और दो केसेस ही कॉनकेव लेंस के होते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। एंड नाउ क्विकली वी कैन सी कि कैसे पहला पहला आ जाता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो उससे जो इंसिडेंट रेज हैं वो क्योंकि एटलीस्ट दो चाहिए तो वो पैरेलल इंसिडेंट होंगी एंड दे विल पास थ्रू द फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी क्योंकि रेज ने एक्चुअल में इंटरसेक्ट किया है, इसलिए इसे रियल इमेज कहेंगे और ये बिल्कुल पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट सी से पीछे रखा जाता है, तो एक रे ऐसे ले जाओ वो फोकस से पास हो जाएगी और दूसरी रे फोकस से लेके जाओ वो पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी और ये इमेज वंस अगेन रेज ने एक्चुअल इंटरसेक्शन किया है तो ये रियल इमेज होगी। देन कम्स जब ऑब्जेक्ट सी पे रखते हैं, ये ऐसे गई, तो जब सी पे रखते हैं तो सी पे इमेज फॉर्म होती है। एक्चुअली आई एम नॉट मेकिंग यूजिंग एनी टूल, डायरेक्टली मैं इन्हें बना रहा हूँ टू सेव टाइम, और आप पहले ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके बनाइए, फिर एक बार जब हाथ सेट हो जाएगा तो आप डायरेक्टली इसे बना सकते हैं। देन बिटवीन सी एंड एफ ये इंसिडेंट रे पैरेलल हो गई, ये सी पॉइंट था, यहाँ पे होना चाहिए, ओके okay, तो ये इमेज ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था तो इमेज बियॉन्ड सी बन गई। एंड देन एफ, एफ पे ऑब्जेक्ट होगा, ये हो गया सी पॉइंट, मैंने स्ट्रेटेजिकली बनाया नहीं था, अब मैं बना रहा हूँ जैसे सी पॉइंट, यहाँ से रे जाएगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो टेक्निकली ये कभी मिलेंगी नहीं लेकिन हम हाइपोथेटिकली कहेंगे कि ये इन्फिनिटी पे मिली, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो ये भी रियल इमेज होगी, वहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि ये मिल जाएगा तो ये भी रियल इमेज होगी। एंड फाइनली बिटवीन एफ एंड पी, ये पहली रे गई और यहाँ पे सी है, इससे एक रे जाएगी इसके टॉप पे होके एंड बाउंस बैक हो जाएगी, तब हम क्योंकि इस साइड ये एक्सपेंड होता जाएगा, यहाँ तो पैरेलल हो गया तो हम अजम्पशन लगाते हैं कि इन्फिनिटी पे वो मिलेगा, लेकिन इसमें ये तो साफ पता चल रहा है ये फैलता जाएगा तो आगे कहीं इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो इसे बैक प्रोड्यूस किया यहाँ पे, और ये केस है जब वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर सिर्फ रियल इमेज फॉर्म करता है, तो सिर्फ नहीं रियल इमेज फॉर्म करता है लेकिन वर्चुअल भी करता है, इस एक केस में इसमें लार्ज इमेज बनती है। ऐसे ही लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो काम यहाँ कॉनकेव मिरर करता है वो इन्फिनिटी इमेज फॉर्म्स एट फोकस, और क्योंकि रेज ने एक्चुअल में इंटरसेक्शन किया है तो ये रियल इमेज है, पॉइंट साइज इमेज है। सेकेंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, वो 2f ही लिखेंगे क्योंकि वो ऐसा सर्टेन नहीं करेंगे, 2f डैश करके नहीं लिखेंगे, हमें खुद समझना पड़ेगा 2f है तो दूसरे साइड का 2f हम ऑन अदर साइड ऐसे करके लिख सकते हैं, दूसरे साइड का f हम ऑन अदर साइड ऐसे करके लिख सकते हैं, पर अपनी समझ के लिए अभी मैं इस साइड वाले में डैश लगा रहा हूँ और इधर नॉर्मल रहने दे रहा हूँ। तो पहली रे, अच्छा इनमें मैंने ऑप्टिकल सेंटर नहीं बनाया तो थोड़ा घिच पिच बचाने के लिए, बहुत मिक्सिंग हो जाती है वरना और क्लियरिटी नहीं आती, और मुझे ये सारे डायग्राम एक ही पेज में दिखाने थे इसलिए ओके। तो ये हो गया, अब दूसरी रे यहाँ से पास होगी, आप ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंटली बन जाएगा ओके। अच्छा कुछ बच्चे ये पूछते हैं ये बीच में ये लाइन क्या है, एक्चुअली जो रे है वो बिल्कुल ऐसे शार्पली बेंड नहीं होती लेकिन हम ओवरऑल ऐसा दिखाते हैं कि ऐसे गई और फिर रिफ्रैक्ट ऐसे हो गई, तो उसका ये हम ओवरऑल दिखाते हैं कि कितना बेंड हुई, तो इस वजह से ये केवल बेंडिंग दिखाने के लिए है, बाकी ऐसा नहीं है कि बीच में इस लाइन का भी कोई मीनिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये इमेज फॉर्म हो गई, स्मॉलर इमेज है, ऑन अदर साइड ऑफ लेंस है, रियल है क्योंकि रेज ने एक्चुअल इंटरसेक्शन किया है। नेक्स्ट अगर 2f पे ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो जैसे यहाँ था सी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो सी पे ही इमेज बनी थी, तो वैसे 2f पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो 2f पे ही इमेज बनती है, विल पास थ्रू द फोकस, और दूसरा यहाँ से जाएगा तो 2f थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, एक्चुअली ये थोड़ा सा स्लाइटली मूव कर गया है ड्यू टू ह्यूमन एरर, वी कैन कवर इट अप बाय मेकिंग यूज ऑफ बिट ट्रिक्स ओके, सो दिस हाउ वी कैन डू ओके। नेक्स्ट एफ और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ये गया, अब फोकस अब ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे तो इधर कहीं बियॉन्ड 2f
इमेज बन गई। देन एट फोकस, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे एंड बी केयरफुल, ह्यूमन एरर की वजह से गड़बड़ हो सकता है डायग्राम, तो बी केयरफुल कि अब जो रे जाएगी रिफ्लेक्ट होके वो इस वाली रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल होगी। एंड फाइनली एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, जैसे कि यहाँ है एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, पास थ्रू द फोकस, और सेकेंड इससे पास होगी, ये आगे तो मिलेगी नहीं, तो वी विल प्रोड्यूस इट बैकवर्ड, ये बन गई वर्चुअल इमेज। अब बहुत चांसेस हैं कि आप इनके डायग्राम आपस में इंटरमिक्स करते हैं, बट बी केयरफुल, रोज प्रैक्टिस करो तो ये इनमें क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। तो वैसे तो इसमें एक एक ही इमेज फॉर्मेशन है, बट हम दो बना लेते हैं। पहला जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो वंस अगेन दो रेज लेनी पड़ेंगी, बिकॉज इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रेज चाहिए। अब ये रिफ्लेक्ट होंगी, पैरेलल रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी जैसे ये फोकस से डाइवर्ज हो रही हो, एंड दैट्स ऑल, फोकस पे इमेज बन गई। इन द सेम वे कॉनकेव लेंस के साथ है, दो इंसिडेंट रेज बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तो वो पैरेलल आ रही हैं, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे अपीयर होंगी जैसे कि फोकस से डाइवर्ज हो रही थी, एंड वंस अगेन इमेज फॉर्म दैट एफ विच इज़ वर्चुअल क्योंकि अपेरेंटली मिल रही हैं। ओके, अब अगर हम मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो फिर इमेज कैसे बनेगी, पैरेलल रे ये हुआ, और दूसरी रे सेंटर की डायरेक्शन में भेजो तो इट विल बाउंस बैक, और यहाँ पे हमें इमेज फॉर्म हो जाएगी, एंड वंस अगेन ये अपेरेंट इंटरसेक्शन है तो इसलिए वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर। एंड इन द सेम वे अब यहाँ पे हम कहीं भी रख लें, जैसे कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो इन सारे पॉइंट्स मीनिंगफुल पॉइंट्स थे, तो यहाँ हम कहीं भी रख दें ऑब्जेक्ट, इमेज हमेशा एक ही तरीके से बनेगी। तो थोड़ा और बड़ा ऑब्जेक्ट कर देते हैं, पहले पैरेलल रे, तो इट विल अपीयर टू गेट डाइवर्ज फ्रॉम, काइंडली इग्नोर किए इससे कैसे निकल गया, पूरा लेंस ही मानिए इसे, तो ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी, और दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएगा और यहाँ से स्ट्रेट चला जाएगा, तो हम ये मानेंगे कि ये पीछे इधर कहीं से रिफ्रैक्ट हो रहा था और यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, तो वर्चुअल इमेज। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, प्लेन और ये कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, रिमेंबर दिस। अदर देन कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर भी हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। थोड़ा सा इसमें अब इमेज के बारे में बात कर लेते हैं, ये देखिए प्लेन मिरर भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इमेजेस के बारे में। सो व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट एन इमेज इज फॉर्म्ड, तो इमेज हमारे दो टाइप की होती है, चाहे वो लेंस से बने, चाहे वो मिरर से बने, चाहे रिफ्लेक्शन से बने, चाहे वो रिफ्रैक्शन से बने, दो टाइप की इमेज होती हैं, पहली वर्चुअल इमेज, दूसरी रियल इमेज। तो जैसा अभी हमने डिस्कशन किया था, वर्चुअल इमेज अपेरेंट इंटरसेक्शन से, ड्यू टू अपेरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, रियल इमेज ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। एक और चीज़ कही जाती है कि जो रियल इमेज होती है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, और दिस वन इट कैन नॉट बी, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इसका क्या मतलब है, देखो जैसे मैं इस लेंस से लाइट फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है एक्चुअली, पर पेपर पे रिफ्लेक्टेड लाइट का कोई फोकस पॉइंट नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी जगह इससे करें तो जो लाइट है वो एक्चुअली फोकस होती हुई दिख रही है। तो ओके, नॉट दिस वे, चलिए मैं यहाँ पे आपको जो मेरे रूम में बल्ब लगा है उसकी लाइट आपको मेरे हाथ पे फोकस होती हुई दिख रही होगी,
लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि इमेज ये भी बना रहा है बट इट इज़ फॉर्मिंग वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. स्क्रीन मीन्स अ सरफेस, लेकिन इट इज़ फॉर्मिंग एन इमेज ऑन द स्क्रीन या ऑन अ सरफेस. जो वर्चुअल होती है इट इज़ इरेक्ट, और जो रियल होती है ये इन्वर्टेड होती है. इसके अलावा जो वर्चुअल इमेज होती है वो अगर मिरर की बात कहें तो कॉन्वेक्स और प्लेन ऑलवेज बनाते हैं, और जो कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस इन ओनली वन कंडीशन. और दूसरी तरफ जो रियल इमेज है, ये दोनों रियल वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर बनाते हैं, बट नॉट ऑलवेज एक्सेप्ट वन वन केसेस. तो फिजिक्स का काम है और बगैर फॉर्मूले के हो जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है. तो अब कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ होंगी. उनमें पहली चीज़ आती है, इधर आता है मिरर फार्मूला, इधर आता है लेंस फार्मूला. मिरर फार्मूला 1/F = 1/V + 1/U, लेंस फार्मूला 1/F = 1/V - 1/U. दोनों केसेस में मीनिंग एक ही है, जो यू है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जो V है वो इमेज डिस्टेंस होगा, और F फोकल लेंथ होगा. दोनों केसेस में ये चीज़ होगी. नेक्स्ट फार्मूला आता है, उसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन, मैं खाली मैग लिख रहा हूँ, आप निफिकेशन खुद अपनी तरफ से जोड़ लो. इसके दो फार्मूले हैं, एक M जो इसकी डेफिनेशन बनाता है, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये दोनों में एक जैसा है, लेकिन इसका एक और फार्मूला निकल के आता है विच इज़ मिरर के केस में -V/U और लेंस V/U. इसके अलावा एक बोनस फॉर्म, सो इट इज़ क्वाइट ईजी कि क्वेश्चन में वैल्यूज़ दे रखी होंगी, हम निकाल निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बट इट इज़ नॉट ऑल दैट ईजी. इसके साथ आता है साइन कन्वेंशन. वॉट इज़ साइन कन्वेंशन? वही जो हमने अभी साइन कन्वेंशन के बारे में अभी स्टडी किया था. तो जो साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमें एक चीज़ पता चली थी कि जो यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जब भी वो क्वेश्चन में दे रखी होगी वो विदाउट साइन दे रखी होगी, आई मीन 10, 20 कुछ भी ऐसे दे रखी होगी, उसके आगे साइन हमें लगाना है. तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है यू, वो नेगेटिव होता है फॉर ऑल मिरर्स एंड लेंसेस. जो मैंने कहा कि 99% ऐसा होता है, तो फिलहाल हम इसी को मानेंगे और ऐसा कहेंगे कि हर बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है. स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको कुछ और सोचना नहीं है. दूसरी चीज, जो इमेज डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस मिरर के केस में, याद कीजिए जब मिरर के केस में इमेज बन रही थी तो रियल इमेज फ्रंट ऑफ मिरर में बन रही थी, तो इमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव है तो वो रियल होगी, या उल्टा कहूँ कि अगर रियल इमेज है तो उसे नेगेटिव लेना है और पॉजिटिव इमेज वर्चुअल. लेकिन यहाँ पे लेंस और मिरर में डिफरेंस आ जाता है. वी, याद करो, लेंस में रियल इमेज इधर बन रही थी राइट साइड में, पॉजिटिव साइड में, तो लेंस में वी अगर नेगेटिव है तो वो वर्चुअल हो जाता है, और पॉजिटिव है तो वो रियल हो जाता है. इस साइड बनेगी तो रियल बनेगी, इस साइड बनेगी तो नेगेटिव बनेगी. तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. यू तो चाहे लेंस हो, मिरर हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, कुछ हो, यू नेगेटिव है, लेकिन वी मिरर के लिए आपको ये याद मत रखो, इमेजिन करो, वो केसेस याद करो कि मिरर में रियल इमेज कहाँ पे बनती है, फ्रंट ऑफ मिरर पे बनती है, तो फ्रंट ऑफ मिरर मतलब लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव, और लेंस में रियल इमेज कहाँ बनती है, राइट साइड पे बनती है, यानी कि पॉजिटिव. तो ये चीज़ भी याद रखना. साथ ही साथ एक चीज़ और, ये जब M हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे भी हमें एक आउटकम निकल के आता है, दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं इसे बीच में लिख रहा हूँ कि इफ़ M इज़ पॉजिटिव, हमें अगर कुछ पता नहीं है, U के बारे में पता नहीं है, V के बारे में पता नहीं है, लेकिन M अगर पॉजिटिव आया तो वो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही होगी, उसका M होगा, और M अगर नेगेटिव आया तो रियल इमेज. ये यूज़ कैसे करना है? ये ऐसे यूज़ करना है कि अगर V की वैल्यू दे रखी है, इमेज डिस्टेंस दे रखी है, मिरर के केस में कह रखा है कि वो रियल इमेज है तो आप माइनस लगाओगे, लेंस के केस में कह रखा है वो वर्चुअल इमेज है तो आप माइनस लगाओगे,
मिरर के केस में अगर वर्चुअल इमेज क्या रखा होगा तो आप प्लस लगाओगे, रियल के केस में अगर वो लेंस के केस में अगर वो रियल क्या रखा होगा तो आप प्लस लगाओगे। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में ये होगा कि एम निकाल रहे होंगे आप, एम पॉजिटिव आएगा और नेचर ऑफ इमेज पूछ रखा होगा, तो पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल, नेगेटिव आएगा तो रियल। ऑलराइट, नेक्स्ट जो मैं आपको लिखा रहा हूँ दैट इज़ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर मिरर। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। लेंस में इसके कंपैरिजन का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इसके जैसा एक और फार्मूला हम कह सकते हैं एफ इक्वल टू वन बाई पी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पावर ऑफ लेंस इज़ वन बाई एफ, तो इसी तरीके से एफ इक्वल टू वन बाई पी। तो ये एडिशनल फार्मूले हो सकते हैं फोकल लेंथ फाइंड करने के। रिमेंबर कि पी डायोप्टर में होगा और इससे जो फोकल लेंथ निकलेगी वो मीटर में निकलेगी। तो मैं अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे उन सबको कवर करूँगा, और उसी में हम लेंसेज और मिरर्स के यूजेस को भी कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बाय। ओ एंड बाय द वे आई फॉरगॉट दिस इंफॉर्मेशन कि साइन कन्वेंशन के बेसिस पे अगर हम देखें एंड सिमिलरली हियर, तो जो फोकस की डेफिनेशन निकलती है वो ये निकलती है कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड फोकस। कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू गेट डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज फोकस। कॉन्वेक्स लेंस के केस में रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज कॉल्ड फोकस। और रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू गेट डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस दैट इज कॉल्ड फोकस। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि कॉन्केव के केस में, अच्छा यहाँ और भी केसेस हो सकते थे लेकिन जो डेफिनेशन जो सिमिट्री बनाई गई वो पैरेलल रे लेके बनाई गई, तो इसलिए कोई इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है। नसीब से आपको ये मानना है कि पैरेलल रे के बेसिस पे हम फोकस की पोजीशन और फिर उसके बाद फोकल लेंथ का पॉजिटिव नेगेटिव वो असाइन करेंगे। तो इसमें लेफ्ट साइड में फोकस है और जो हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा तो ये कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ आएगी, इधर ही लिख देता हूँ, ये नेगेटिव आएगी। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो आएगी इधर आ रही है वो प्लस में आएगी। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ आएगी इधर आ रही है वो भी प्लस में आएगी, और कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ आएगी वो इधर आएगी वो माइनस में आएगी। यानी कि बेशक कॉन्केव मिरर वर्किंग में कॉन्केव लेंस के जैसा ना हो, लेकिन जो कॉन्केव मिरर है उसकी भी फोकल लेंथ और कॉन्केव लेंस की भी फोकल लेंथ दोनों की नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स मिरर की भी और कॉन्वेक्स लेंस की भी। तो फॉरगेट अबाउट लेंस और मिरर, याद रखो कि जो कॉन्वेक्स है दैट इज़ पॉजिटिव और जो कॉन्केव है दैट इज़ नेगेटिव। आज से पॉजिटिव नेगेटिव के नए नाम हैं कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव।